सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि फ्री फायर में हमारा जो न्यू क्रोनो कैरेक्टर आया है, आखिर वो वाला क्रोनो कैरेक्टर आपको कैसे मिला और गाइस क्रोनो का जो बंडल है फुटबॉल वाला वो बंडल कैसे मिलेगा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं फ्री फायर से रिलेटेड हर एक वीडियो यहाँ पे लाता रहता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रोनो का जो बंडल है वो बंडल आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो बंडल लेने के लिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ से जो इवेंट आया है वहाँ पे, उसके बाद गाइस आप देख सकते हो ये रहा क्रोनो का बंडल, मतलब ये फुटबॉल वाला बंडल, और एक और बंडल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा वाला बंडल है। तो ये वाला बंडल आप लोगों को कैसे मिलेगा, पहले गाइस आप इस बंडल का फुल रिव्यू देख लो, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये वाला बंडल आप लोगों को कैसे मिलेगा, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्रोनो कैरेक्टर आप लोगों को कैसे मिलेगा, और जो देख के सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये रहा क्रोनो के बंडल का इवेंट, जहाँ पे आपको तीन तरीके का स्पिन दिया गया है। एक स्पिन करोगे तो उसमें 20 डायमंड लगेगा, 10 करोगे तो यहाँ पे 180 का लगेगा, लेकिन गाइस एक और स्पेशल स्पिन है जिसमें यहाँ पे 30 डायमंड लगेंगे। लेकिन गाइस ये वाला स्पेशल स्पिन अगर आप करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेयर आइटम ज़्यादा मिलने के चांसेस है। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं तो अभी स्पिन नहीं कर सकता क्योंकि ये दूसरे सर्वर का आईडी है। उसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे और क्या मिलने वाला है। गाइस अगर आप 5 स्पिन करते हो तो आपको यहाँ पे वेपन रॉयल वाउचर मिलेगा, वो भी 2। उसके बाद 10 स्पिन करोगे तो आपको 2 डायमंड रॉयल वाउचर मिलेगा, और गाइस अगर आप 15 स्पिन कर लेते हो तो गाइस आपको इनक्यूबेटर वाउचर मिल जाएगा 3। तो गाइस ये सारा वाउचर देने का मतलब ये है, जैसे आप अगर यहाँ पे स्पिन करोगे तो गाइस 1-2 स्पिन में आपको यहाँ पे क्रोनो का बंडल नहीं मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इसलिए गाइस आपको यहाँ पे ये वाला प्राइस दिया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा सा दिल खुश रहे और आप इस स्पिन को कर पाओ। तो गाइस चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ जो क्रोनो का हमारा मेन कैरेक्टर है वो आपको कैसे मिलेगा। सो गाइस वापस से मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सर्वर के आईडी पे। इस सर्वर के आईडी पे यहाँ पे आया हुआ है एक इवेंट, जिस इवेंट को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दिखाने के बाद गाइस और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सर्वर पे कब क्रोनो कैरेक्टर आएगा, क्योंकि गाइस अभी हमारे सर्वर पे आया नहीं है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं इवेंट पे। इवेंट पे जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्रोनो कैरेक्टर आपको कैसे मिलेगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 डायमंड के टॉपअप पे आपको यहाँ पे क्रोनो कैरेक्टर दिया जा रहा है, और गाइस ये क्योंकि बाहर का सर्वर तो इसलिए ये 16 तारीख से यहाँ पे 25 तारीख तक चलने वाला है, यानी हमसे थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे इवेंट दिया जाता है। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ 100 डायमंड है, और गाइस टॉपअप इवेंट आपको पता ही होगा, टॉपअप इवेंट बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि जो टॉपअप आप करते हो वो डायमंड भी मिल जाते हैं और चीज़ भी मिल जाता है। गाइस आप देख सकते हो ये कैरेक्टर सिर्फ आपको मिलने वाला है, इसका बंडल वगैरह नहीं मिलने वाला, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 100 डायमंड का टॉपअप है। कैरेक्टर भी बहुत, वैसे बात करूँ तो गाइस बहुत सस्ते में दे रहा है यहाँ पे गैरिना। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर हमारे सर्वर पे कब आएगा। तो गाइस ये वाला जो सर्वर कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आने वाला है 19 तारीख को हमारे स्टोर पे। तो गाइस जब 19 तारीख को आएगा तब भी मैं एक वीडियो का अपडेट माध्यम से आपको अपडेट दे दूंगा। तो गाइस आज का वीडियो यही तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को भी बता देना कि क्रोनो कैरेक्टर कैसे मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।